अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सना। सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरी फ्रेंड आई है और उसका आज मेरे घर पे ही स्टे है, उसकी शादी है, मुझे उसके बालों को रिलैक्स करना है, तो सोचा कि मैं यहीं से अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। फिर मैंने इसके बालों पे क्रीम लगा ली थी और उसके बाद मैंने खाना बनाया था और अपना ही मेरा वर्जन है ये नमकीन कढ़ाई का, मेरा अपना स्टाइल है ये। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छी बनती है इस तरह से, सिंपल सी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता और बहुत मज़ेदार बनती है। फिर उसके साथ मैंने बनाए थे फ्राइड राइस, मेरे भी फेवरेट हैं और जो मेरी कुलीग आई थी उनके भी फेवरेट हैं और इजीली बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन गए थे क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम था मेरे पास क्रीम को लगाने का, तो उस दौरान मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फ्राइड राइस बना लेते हैं। हमने फ्राइड राइस बना लिए, फिर जल्दी से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने उनका हेयर वॉश किया था, फिर उसके बाद मैंने बाल को हेयर ड्राई करने के बाद मैंने बाल स्ट्रेट किए थे। प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मैं, सब कहेंगे कि ऐसे नहीं करते ऐसे करते हैं, लेकिन जो मुझे इजी लगा मैंने उसी तरीके से किया क्योंकि मेरा जिस तरह से हाथ बैठा हुआ है। स्ट्रेट करने के बाद 1.5 घंटा लग गया था इनके बालों को स्ट्रेट करने का। फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर फिक्सर लगाया था जो कि लास्ट में लगाते हैं और उससे बाल फिक्स मतलब हो जाते हैं। ये रिलैक्सर ज़्यादा अच्छा होता है रिबॉन्डिंग से क्योंकि ये बालों को उसी तरह रखता है जिस तरह आपके रूट से बाल निकलते हैं ना, वो उनके साथ मैच होते जाते हैं, तो ये उसकी तरह नहीं होता रिबॉन्डिंग की तरह कि आपके नीचे से बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहें और ऊपर से टेढ़े मेढ़े हों। तो ये आफ्टर वॉश इनका रिज़ल्ट था, काफ़ी अच्छा था और मतलब अच्छे लग रहे थे बाल उनके, तो मैं सेटिस्फाई हो गई। शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रख ली क्योंकि ये इसमें रिस्क भी होता है, कभी कभी बाल नहीं भी सही होते तो बस ठीक है, पूरा दिन लग जाता है तो इसलिए मेहनत होती है, तो जब आपको रिज़ल्ट मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है। बस पूरा दिन बस इसी में गुजर गया, थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो बस ये लास्ट में मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अपनी की चेन मैंने अपनी गाड़ी के लिए बनवाई थी तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बनकर आ गई। और इसी के साथ साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर कुछ भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज़।